झालरापाटन से खबर है। यहां पर महाराजा हरिश्चंद्र कृषि उपज मंडी, जो जिले की सबसे बड़ी मंडी है, में आज सुबह से ही किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सुबह 6 बजे से ही किसान अपनी फसलें लेकर मंडी पहुंचे, लेकिन गेट बंद होने के कारण उन्हें अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा है। किसानों को उम्मीद थी कि मंडी में फसल बेचकर वे घर लौटेंगे, लेकिन मंडी में पहले से जमा माल की नीलामी का हवाला देकर उन्हें बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया। किसानों का कहना है कि मंडी के अंदर कई स्थान खाली हैं, जहां आसानी से उनकी फसलें जमा हो सकती हैं, लेकिन व्यापारी अपनी मनमानी और दादागिरी कर रहे हैं। कृषि उपज मंडी के अधिकारी और कर्मचारी इस मामले में मौन साधे हुए हैं, जिससे किसानों में आक्रोश बढ़ रहा है। किसान गेट के बाहर खड़े होकर अपने फसल के समय पर नीलामी होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उन्हें सही मूल्य मिल सके। क्या नाम है तेरा? प्रेमचंद। प्रेम माल लेकर आया हो कृषि उपज मंडी के पाटन में? माल लेकर आ रहे हैं। 6 बजे का आगे? 6 बजे आएगा। अंदर क्यों नहीं? अंदर है। नहीं, मेरे मना कर रहा है। क्या कह रहे हैं? जगह नहीं है, यहाँ पर बहुत जगह बड़ी है। यहाँ तो खाली पड़ी जगह, तो पूरी खाली है जगह। दादागिरी है तो इनकी? दादागिरी करे तो जगह पाटा का लगा रहेगा अंदर आवेगा। बहुत सारा ट्रैक्टर परेशान हो रहे हैं फिर तो? 12-15 ट्रैक्टर बैठे। 12 कल आए थे, कल से पेंडिंग में पड़े। जो किसानों के लिए जगह है ना, उनमें तो इन्होंने इनके कट्टे डाल रखे हैं और किसानों को परेशान कर रहे हैं। ये बोली लगाते तो बोली एक घंटे लगाते, फिर वापस लंच कर लेते, लंच करके वो फिर 3 बजे लगाते, 100-150 लेते। माल पहले से पेंडिंग में पड़ा है, उसको उठाते नहीं है और किसानों को परेशान किए, तो इनकी दादागिरी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदल गुजर है। कहाँ से आया था? कहाँ से आया था? सारोला से हूँ, GSS। अच्छा, माल लेके आया था? माल लेके आया हूँ। तो कल से परेशान हो रहा है आप? कल से परेशान हो रहा हूँ। कल सुबह 7 बजे आए थे। कल सुबह 7 बजे यहाँ पर क्या हमारे ट्रैक्टर को उठा के थाने में डलवाएंगे। अच्छा, तो हमारे हमें या तो मना कर दो, हम चले जाएंगे। पर थाने में क्यों ले जाएंगे? हमारा माल को थाने में भेजोगे? कब से खड़ा हो तुम यहाँ पे? सुबह 7 बजे के खड़े। अंदर नहीं, अंदर है? अंदर नहीं, अंदर है? जो किसानों के लिए जगह है उनमें इन्होंने इनका माल डाल रखा है। किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं कि पुलिस को बुला लेंगे, ऐसे करेंगे। दादागिरी रात को माल छोड़ते, रात में चोरियां होती है हमारे गांव के काश्तकार के। मोहन लाल का सोयाबीन चोरी हो गई, बोल लेते हैं यहाँ पर दादागिरी कर रहे हैं। बाहर ही है 7-8 ट्रैक्टर है ना? तो क्या भैया, 8 दिन मैंने मना कर दी अंदर आने के लिए? क्या की कल परसों से दे रहे हैं उन्होंने? क्या दे रखी मैसेज डाला उन्होंने कि 12 कल 12 बजे से ही नहीं आ रहे हैं ये, अब आज शाम को आएंगे 5 बजे के बाद में। तो मंडी फूल है क्या? मंडी फूल तो क्या, उन्होंने बोला कि माल पड़ा है पहले का पेंडिंग, तो वो पहले वो बिकेगा ना, तभी इनको अंदर लेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। मंडी तो खाली पड़ी बहुत सारी, तो अभी तो 8 दिन सर, 8 दिन के हिसाब से हम तो काम कर रहे हैं। झालरापाटन कृषि उपज मंडी में बड़ी संख्या में आवक हो रही है, लेकिन कुछ ट्रैक्टर है जो बाहर खड़े भी हैं, उनकी क्या व्यवस्था की जाएगी? सर, अभी के लिए तो अखबार में आज जैसे न्यूज़ हमने छपवाई थी कि आज 12 बजे से लेकर 5 बजे तक गेट बंद रहेंगे, क्योंकि माल पहले से यहाँ बहुत काफ़ी संख्या में पड़ा है, बिक नहीं रहा था, तो व्यापारी यहाँ लेवल कम है, उनकी संख्या कम है, तो उस चक्कर में माल बिका नहीं, पहले का माल पड़ा हुआ है। इसलिए व्यवस्था को निरंतर बनाए रखने के लिए हमने अखबार में भी दिलाया, व्यापार संघ और आढ़तिया संघ से बात करके, किसान संघ से भी अधिक से बात करके भी हमने अखबार में छपवाया कि 12 से 5 बजे तक बंद रहेंगे। उसी सिलसिले में वो किसान बाहर खड़े हैं, तो अभी 5 बजे के बाद गेट खोल देंगे तो अंदर आ जाएंगे।